कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के सभागार में आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के द्वारा 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत आई डोनेशन अवेयरनेस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जिन्होंने मृत्यु उपरांत अपने परिजनों के नेत्रदान करने वाले परिवारों को सम्मानित किया। नेत्रदान की शुरुआत 1995 में संयुक्त बिहार झारखंड का पहला नेत्र प्रत्यारोपण डॉक्टर बीपी कश्यप और डॉक्टर भारती कश्यप द्वारा स्वर्गीय हरिप्रसाद के मृत्यु उपरांत किए गए स्थानीय नेत्रदान से किया गया था। यह आई बैंक राज्य का प्रथम एक्टिव आई बैंक है, जो पिछले 26 सालों से सफलतापूर्वक कॉर्निया जनित दृष्टिहीनों को रोशनी दे रहा है। कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा अभी तक 606 कॉर्निया के बीमारी से ग्रसित मरीजों का नेत्र प्रत्यारोपण किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मौके पर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल और आई डेक को बधाई देते हुए कहा कि अभी भी नेत्रदान के प्रति जागरूकता उतनी नहीं है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन अगर भावना से ऊपर उठकर सोचे तो कितना बड़ा काम हो सकता है। किसी को आंखें मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। डॉक्टर भारती जी ने मुझे जानकारी दी कि आजकल दान दाताओं की बहुत कमी हो रही है। लोग भावनाओं में बह जाते हैं जब किसी का किसी की मृत्यु होती है। उनको लगता है कि अब तो इनको चला गया है, इनको कैसा चिकित्सा क्यों करे। एक उनके साथ भावना जुड़ी हुई है, लेकिन उस भावना से अगर हम ऊपर उठकर एक छोटा सा काम करें तो कितना बड़ा वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नेत्रदान एक धार्मिक काम है और इसे बढ़ावा देने के लिए मैं कश्यप परिवार को बधाई देता हूं। उन्होंने नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने की बात कही। कॉर्निया को लेकर ये पूरे देश में 109 ऐसे आई बैंक हैं जिसमें कॉर्निया रखी जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके इसका जो है लाभ आम जनों तक प्राप्त होता है। और हमारे देश में आप जानते हैं कि 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेत्र के विकार से हैं, नेत्रहीन हैं। उसमें 75% लोग कॉर्निया के कारण जो है दृष्टिहीन हैं। और यदि इस चीज़ का हम सही समय में डिस्ट्रीब्यूशन सुधार लेंगे और दानदाता यदि के बीच में और अवेयरनेस लाने का काम करेंगे और जो हमारा जो पुरानी पद्धति है उस पद्धति में सुधार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो स्थितियाँ अच्छी होंगी और दृष्टिहीन लोग को दृष्टि मिल पाएगी। इस मौके पर कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भारती कश्यप ने नेत्रदान को और बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जरूरत बताई, जिससे गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सके। हमारे हम जो 124 नेत्र प्रत्यारोपण किए उसमें ज़्यादातर हम सेंट्रल कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मंगवाए थे, तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिनके अंदर में सब आई बैंक है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि एक क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जरूर लाएँ सर, ताकि जहाँ पर सरप्लस कॉर्निया है वहाँ से कॉर्निया उस आई बैंक को मिल सके जहाँ पर प्रतीक्षा सूची तो लंबी है लेकिन कॉर्निया जनित ब्लाइंड कम है। क्योंकि जब हम कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आँख लाते हैं तो एक हवाई जहाज से आँख आती है तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उससे मरीजों को छुटकारा मिलेगा। वहीं सिर्फ 18 दिन की बच्ची अपराजिता की मौत के बाद उसका नेत्रदान करवाने वाली माँ नर्मदा को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। अपने बच्चे के नाम से जाना जाना हर माँ बाप का एक सपना होता है। आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अपराजिता की माँ और ये उसके पिता होने के नाम से। वो 18 दिन में ही उसने इतना बड़ा काम किया, हम दोनों का नाम इतने लोगों से हम लोग इंट्रोड्यूस आज हो रहे हैं उसके कारण। तो अगर ऐसा मौका किसी भी माँ को मिलता है तो अपना दुख तबाह करके एक बार ज़रूर इस बारे में सोचें। जो भी अपने अपनों के बारे में जो चले गए हैं वो तो चले गए हैं, वो शरीर नश्वर है, वो तो मिट्टी में मिल ही जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई अंग कहीं रह गया किसी और के काम आ जाता है। उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कुछ भी। इस मौके पर आईडेक के सदस्यों ने भी नेत्रदान करने वाले परिवारों को सम्मानित किया और नेत्रदान को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।